हेलो स्टूडेंट, आप सभी का फिर एक बार स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे मुंबई वाले सर। फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस, चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ गाइस चैनल को सब्सक्राइब करके रख दीजिए ताकि आपको एजुकेशनल अपडेट करियर रिलेटेड वीडियोज यहाँ पे टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। गाइस आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं तभी 12वीं परीक्षा चुनिया पद्धति ने सोनार मीन्स 10th and 12th बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड ये अपडेट है। तो गाइस आप सभी को पता है कि लास्ट ईयर मतलब 2022 में जो बोर्ड एग्जाम हुए थे उसमें कुछ चेंजेस किए गए थे, तो वो जो चेंजेस है गाइस अभी इस साल नहीं रहेंगे, मतलब 2023 के जो बोर्ड एग्जाम है उसमें ये चेंजेस नहीं रहेंगे। यंदा 10वीं 12वीच्या परीक्षा पूर्वी प्रमाणे छोतील करोनामुळे दिलेली अधिक वेळ व इतर सवलती असणार नाही। पूर्वीच्या परीक्षा केंद्र जोडणीनुसार मुख्य केंद्रावर परीक्षेचे आयोजन होईल असे बैठकीदरम्यान राज्य मंडळाने म्हटले आहे। तो यहाँ पे क्लिअरली बताया गया, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपका जो एग्जाम है ये पहले जैसे होता था नॉर्मली इस ईयर में वैसे ही होगा, मतलब कोरोना में जो आपको एक्स्ट्रा टाइम दिया गया था वो नहीं रहेगा। 25% जो सिलेबस यहाँ पे रिड्यूस किया था वो नहीं रहेगा, और आपका जो एग्ज़ाम सेंटर आपके स्कूल में ही रखा गया था कोरोना के चलते, ये सब चीज़ें यहाँ पे नहीं होने वाली। ये सब डिटेल्स गाइस यहाँ पे दिया गया है। आई होप कि आपको ये समझ में आया रहेगा। तो आपको क्या लगता है कि ये जो चेंजेस है ये हो रहे हैं अभी, तो आपको ये चेंजेस अच्छे लग रहे हैं या बुरे लग रहे हैं ये हमें कमेंट करके ज़रूर बता दीजिए। तो बस आज के लिए इतना ही रहेगा, थैंक यू।